पूरे देश भर में रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन आज यूपीएससी की ओर से एनडीए की एग्जामिनेशन भी ली जा रही है। वैसे में राजधानी रांची के परीक्षार्थियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, उसको देखते हुए परीक्षार्थियों को कोई भी तरह की परेशानी ना आए उसके लिए जो है रूट बनाए गए हैं। बड़े वाहनों को जो है शहर की ओर जो है प्रवेश के लिए वर्जित रखा गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसके लिए परीक्षार्थियों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई। लगभग आपको बता दें कि 26,000 परीक्षार्थी एग्जामिनेशन देने के लिए रांची पहुंचे हैं और लगभग 54 परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं। रामनवमी को देखते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी परीक्षार्थियों को ना हो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएँ और उनके जो परिवार वाले यहाँ पर आकर ठहरे हुए हैं क्या कुछ व्यवस्थाएँ की गई है और क्या कुछ कहना है एग्जामिनेशन के लेकर परीक्षार्थियों का और उनके परिवार वालों का, देखिए। एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं। हम तो ऐसे हम लोग पलामू से हैं, बट रहते ऐसे रांची में ही रहते। तो कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई आने जाने को लेकर? जी वो अभी तक तो दिक्कत नहीं हुई है। क्या लग रहा है कि एक पूजा के दिन परीक्षा होने से किस तरह दिमाग गलत डेट पड़ गया, आने जाने में दिक्कत होगा। ऑटोज मिलने में दिक्कत होगी, स्पेशली जो रांची के बाहर से होते हो। हाँ, और प्रॉब्लम होगा, उन्हें परेशानी होगी। मतलब जो मेन रोड है वो तो एक्चुअली पूरी तरह से बंद हो चुका होगा। हाँ, तो आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने की संभावना है। ऐसे तो कोई परेशानी नहीं हुई कल आने में, ऐसे तो रामनवमी का तो भीड़ तो चल ही रहा है। गाड़ी बस जाने में कोई परेशानी होती? वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। नहीं ठीक था, बट आज रामनवमी भी है ना, तो उसके कारण से थोड़ा बस जाम था, लेकिन फिर भी हम लोग टाइम पे पहुंच गए। हम लोग दो दिन पहले ही आ गए हैं, यहाँ रिलेटिव के यहाँ स्टे किए हैं, तो हम लोग हजारीबाग से हैं। कोई परेशानी नहीं, आने में परेशानी है, जाने में क्या लगता है कि कोई परेशानी है? वाहन वगैरह बंद भी रहता सारा? हाँ तो किसी तरह से निकल जाएंगे। परीक्षा है देना ही है? हाँ परीक्षा है तो देना ही पड़ेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।